प्रदेश की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के निर्माण कार्य में लगे कुछ मजदूरों को पिछले 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं होने पर मजदूरों ने रेलवे महकमे के ठेकेदार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एटक यूनियन के बैनर तले भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे निर्माण वर्कर यूनियन के मजदूरों ने नैना देवी के समीप बरती झिंडा स्थान पर रेलवे विभाग व ठेकेदार के खिलाफ करीब 3 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया और रेलवे विभाग व ठेकेदार को 7 दिन के भीतर वेतन का भुगतान करने का अल्टीमेटम भी दिया है। बकाया वेतन का भुगतान न होने की स्थिति में यूनियन ने रेलवे का निर्माण कार्य बंद करने को चेताया है, जिसकी सारी जिम्मेदारी रेलवे विभाग की होगी। वहीं इस परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार न देकर बाहरी राज्यों के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय बेरोजगार लोगों व युवाओं को रोजगार के लिए बाहरी राज्यों या विदेशों का रुख करना पड़ रहा है और परियोजना में बाहरी राज्यों की मशीनरी लगाई जा रही है। ये जगह यहाँ से जो ये प्रोजेक्ट रेलवे परियोजना बढ़ रही है पुलपड़ी बैरी बिलासपुर रेलवे परियोजना, ये तमाम जो मजदूर उस परियोजना के अंदर काम कर रहे हैं, इन मजदूरों को पिछले 3-4 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है और ना ही इनका कोई PF काटा जा रहा है, ना ही ESI काटी जा रही है। जहाँ तक कि इनसे 12 घंटे काम करवा कर इनको कानून के मुताबिक जो इनका बनता है डबल, वो नहीं दिया जा रहा है। और ये मजदूरों ने कुछ ही दिन पहले अपना एक संगठन बनाया है जो कि AITUC एटक से संबंधित है और हम 11 तारीख को यहाँ जो HR है रेलवे प्रोजेक्ट का उसको मिले, उसने हमें कहा था कि हम 2 दिन के भीतर भीतर आपका जो वेतन है उसका प्रबंध करेंगे। किसी ने कोई प्रबंध नहीं किया, लोगों में व्यापक रोष पाए जा रहे हैं, क्योंकि हैरानी की बात यह है कि 3 माह से मजदूरों को पेमेंट ना मिलनी, वेतन ना मिलना, ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की वायलेशन है और PF कानून जो 1952 का है उसकी वायलेशन है, ESI कानून 1948 की वायलेशन है। हमारी ये मांग है कि शीघ्र अतिशीघ्र मजदूरों को उनका बढ़ता जो वेतन दिया जाए। अन्यथा हमारी यूनियन जो है वो 7 दिन का हम टाइम दे रहे हैं प्रशासन को, सरकार को, अगर 7 दिन के अंदर हमारे मजदूरों को वेतन ना दिया गया, 7 दिन के बाद तमाम जो प्रोजेक्ट है, ये रेलवे का जो काम है, ये बंद कर दिया जाएगा। इसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन साडे मजदूरों नाल जी बहुत बुरा धक्का हो रहा जी, सानू 4 महीने तो वेतन नहीं मिल रहा इस जगह जी, कम करवा रहे 12 घंटे जी, साडा कोई ओवर टाइम नहीं है, जबकि कानून दे विच लागू होया कि 8 घंटे तो उपर टाइम लगाऊंगे तो डबल दिया जाएगा। इन्होंने कोई सानू कोई डबल टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई सानू फैसिलिटी मैडिकल की दी हुई है, ना कोई इंश्योरेंस है साडे कोल इत्थे बंदिआं दी किसी की भी, और साडा इन्ना धक्का हो रहा, साडीआं जमीनां साडीआं आबादियां उजड़ गईआं और साडे जिहड़े इत्थे दे लोक है आवारा घूम रहे, इन्हां नूं कोई काम नहीं दे रहा, इन्हों कोई मजदूरी नहीं मिल रही, इन्हों कोई काम कार नहीं मिल रहा, यह वेले घूमया कर रहे, साडे ड्राइवर भाई धक्का खा रहे, इन्हों कोई हक नहीं मिल रहा। तो मैं कृपा करता है कि इन्हों का हक दिता जाए, साडी मजदूरी मिले, असी कोई होर नहीं मंगते, असी अपना हक मंगते हैं, आप साडा हक। उज्जवल हिमाचल के लिए स्वागत से रिशु प्रभाकर की रिपोर्ट।